अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक ही छोटा सा टॉपिक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले एक बात मैं तमाम बच्चों से करती चलूं कि ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट जिन सबने होमियोस्टेसिस का चैप्टर पढ़ा और अब तक मुझसे जो भी चैप्टर पढ़े हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि मैं उनका रिवीजन करा दूँ इन चैप्टर्स का, मतलब मैं आप लोग को इतनी जल्दी रिवाइज करा दूँगी, जूम पर क्लास लूँगी लेकिन मैं, तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग किस दिन फ्री होंगे, तो फिर उस दिन तमाम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स आपस में वो करके मुझे ग्रुप में मैसेज करें, फिर उस एक टाइम आप लोगों की जूम की क्लास कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं किडनी स्टोन। देखो किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी स्टोन ना एक तो सॉलिड होगा, जाहिर है पत्थर है, सॉलिड होगा, लिक्विड तो नहीं होगा ना। और बनता किससे, ये देखो ये दो चीज़ों से बनता है, एक तो कैल्शियम ऑक्सैलेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। आप सेकेंड ईयर में आएंगे ना तो आप यही पढ़ेंगे कि 70% किडनी स्टोन्स जो होते हैं ना वो कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं। आप लोगों की बुक में एक और कैल्शियम का एडिशन कर दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, यूरिक एसिड से भी स्टोन बनते हैं, लेकिन वो 5% स्टोन्स होते हैं जो यूरिक एसिड से बनते हैं। और यूरिक एसिड एंड सिस्टीन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, यानी कि वो जो कैल्शियम ऑक्सैलेट का स्टोन बनता है ना, उसके अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है, यूरिक एसिड और सिस्टीन का भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेट फ्रॉम यूरिन, प्रेसिपिट इन किडनी एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। ये क्या होता है, ये यूरिन, अब देखो हमारी ये है कलेक्टिंग डक्ट, कहाँ गया, यहाँ सारा काम हो रहा है। अब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को जाना है पेल्विस में, लेकिन फॉर एग्जांपल ये पेल्विस में नहीं गए, बाहर निकलकर मेड्यूला में ही रह गए, तो ये यहाँ पे जमा होते रहेंगे और एक हार्ट से स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को डॉक्टरेट की टर्म में एक और वर्ड कहा जाता है, यूज़ किया जाता है उसके लिए, होता है कैल्क्यूलाए, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था कि किडनी के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है रीनल, जैसे आपका दिल है, दिल के लिए आप एक और वर्ड यूज़ करते हैं कार्डियो, करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट, यानी ये दिल हार्ट की बीमारियाँ वाला, हार्ट के बारे में पढ़ क्या है। अगर मैं बोलूँ कि ये रीनलॉजिस्ट है, यानी कि वो किसकी स्टडी करके आया, किडनी वगैरह की। अगर मैं बोलूँ कि ये डर्माटोलॉजिस्ट है, ठीक है डर्मेटा, ठीक है ये जो डर्मेटा होता है ना, डर्मेटा ये स्किन को कहते हैं, तो डर्माटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो स्टोन्स होते हैं ना, इनको एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इनके लिए होता है कैल्क्यूलाए, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको यूरिन में चला जाना चाहिए, जैसे यूरिक एसिड को चला जाना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सैलेट को। देखो कैल्शियम ऑक्सैलेट कहाँ से आता है हमारे पास, जो लोग बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं ना, मतलब वो लोग गोश्त नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ियाँ ही खाते हैं, और क्या कहते हैं उनके जो, जैसे टमाटर है, टमाटर के बीज में आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सैलेट मिलेगा, स्पेनिश में बहुत ज़्यादा मिलेगा, हरी सब्जियों में मिलेगा। मेरी एक आदत है कि मुझे बहुत पसंद है टमाटर, मैं जब मैं पढ़ती थी ना, तो एक बहुत ज़्यादा मेरे सारे मसला आएगा कि मुझे ना बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी कि मैं कुछ ना कुछ खाती रहूँ, पढ़ती रहूँ, बस ये होता था, चाहे बस मुझे मिल जाए, इवन चाय की पत्ती भी खा लेती थी मैं। तो मैं टमाटर बहुत शौक़ से खाती हूँ, कोई भी नहीं है हमारी फैमिली में ऐसा, लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ कि टमाटर को काटा, नमक मसाला डाला और बस सब कह रहे होते यार क्या हो गया, तमीज़ नहीं है, ख़त्म हो गई, ऐसे खाते हैं। लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनती ना, तो मैं ऐसे खाती थी। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है तुमने ऐसे खाना है खाओ, लेकिन बीज नहीं खाओ, उसके ना ऑक्सैलेट होता है। तब मुझे पता चला था कि अच्छा ऑक्सैलेट जो होता है उससे स्टोन्स बन जाते हैं, इसलिए मना किया जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सैलेट का लेवल ज़्यादा हो जाए ना, तो वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सैलेट बना देगा, ठीक है। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो वो थोड़ा सा भी ऑक्सैलेट होगा ना, वो उसके साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सैलेट बना देगा। इससे कभी आपने सुना होगा कि जिनके किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं ना, उनको कहा जाता है कि भाई आप लोग ना कैल्शियम की चीज़ें बंद कर दें, सुनिए बात। अच्छा जी, बाज़ औक़ात क्या होता है, ये स्टोन्स जो होते हैं ना, ये ना इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तो इनको हम आराम से ना तोड़ लेते हैं। और कैसे तोड़ लेते हैं, कि इन्हें रेत के ज़र्रात जैसे हो जाते हैं, और ये आराम से यूरिन के ज़रिए पास हो जाते हैं बिना किसी दर्द के। अगर थोड़ा सा बड़ा स्टोन होगा ना आपके, यानी कि अगर थोड़ा सा भी बड़ा स्टोन आपकी किडनी में हो, तो आपकी किडनी के जो क्या कहते हैं टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ये जो पेल्विस था ना, कहाँ गया,
किस डायग्राम से दिखाऊं, यहाँ देख लो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आके कोई स्टोन फंस गया। अब आपको पता है यहाँ पे यूरिन जमा होता रहेगा और बाहर ही नहीं आएगा। जब बाहर ही नहीं आएगा तो किडनी में कितना मसला हो जाएगा, किडनी तो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बहुत शदीद पेन होता है, किडनी का दर्द बहुत शदीद होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये यूरिनरी ट्रैक्ट में भी फंस जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से रीनल फेलियर होता है। मतलब जाहिर है कि ब्लड जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट नहीं हो सकेगा, तो आपके जो खून होता है ना उसके अंदर भी अमोनिया और यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती हैगी। इस तरह से ये होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होती है किडनी स्टोन की? अगर किडनी स्टोन का साइज़ जो है ना वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम पत्थरों के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, वो जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड वेव्स जिसको कहते हैं, ठीक है, उन वेव्स को फेंकते हैं। सही। अच्छा, अब आप जब वहाँ पर आएंगे ना, कौन सी क्लास में आएंगे, जब आप लोग सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो सेकेंड ईयर के तमाम बच्चे अपने पास अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर लिख लीजिए कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। और ये बात मैट्रिक के बच्चों को तो पता होगी क्योंकि उन लोगों ने मुझसे ये बात पढ़ ली थी। किस क्लास में पढ़ी आप लोगों ने? अभी पढ़ी ना फिजिक्स में मुझसे। तो जो स्टोन्स होते हैं उनको हम लोग साउंड वेव्स उनके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं और साउंड वेव्स क्या करती हैं, उन स्टोन्स को तोड़ देती है। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और फिर वो जो छोटे छोटे से स्टोन्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिनको हम लोग रेडिमेंट्स भी कह सकते हैं, वो किडनी में से कैसे निकल जाते हैं, यूरिन के ज़रिए। अगर बहुत बड़े साइज़ का स्टोन है ना तो वो लिथोट्रिप्सी से रिमूव नहीं हो सकता, इसके लिए हम करते हैं रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी से मुराद ये कि आपकी किडनी को कट किया जाएगा फिर उसमें से स्टोन निकाला जाएगा, लेकिन ये काम ना कोशिश किया जाता है कि इतना ज़्यादा ना किया जाए। वजह ये कि किडनी स्टोन एक दफ़ा बन जाए ना और आपने सर्जरी करके उसको एक दफ़ा निकाल लिया, अब जब दोबारा बन जाएंगे तो क्या दोबारा आप किडनी की क्या कहते हैं सर्जरी करवाएंगे? ऐसे तो फिर किडनी के अगर इतने ज़्यादा टाँके वगैरह किडनी पे लगेंगे, इतनी ज़्यादा किडनी की सर्जरी होगी तो आपकी किडनी तो वीक हो जाएगी। तो इसलिए ना ज़्यादातर डॉक्टर यही प्रिफेयर करते हैं कि आप लोग नेचुरल हर्बल वेज यूज़ करें कि ताकि आप लोग की सर्जरी ना करवानी पड़े। अच्छा जी, अच्छा, द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर इज़ द ओनली मेजर टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते हैं ना तो आपकी किडनी में कभी भी पत्थर नहीं होंगे। अब बात करते हैं किडनी फेलियर। कुछ लोगों की किडनी फेल हो जाती, क्यों हो जाती? क्योंकि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब नेफ्रॉन्स काम ही नहीं करेंगे तो बच्चों क्या होगा, जब नेफ्रॉन काम नहीं करेंगे तो ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होगा। जब ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होगा तो ब्लड में से गंदगी नहीं निकलेगी। जब गंदगी नहीं निकलेगी तो किडनी का तो काम ख़त्म और हम भी ख़त्म, साथ में ये हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कभी कभार ब्लड या किडनी के अंदर ना सॉल्यूट डिसबैलेंस हो जाता है, पीएच का मसला, कभी कोई मसला, कभी सॉल्ट ज़्यादा कम, तो तब होता है ऐसा। या और पता है किडनी फेलियर की वजह से क्या होता है? देखो बच्चों, ये होता हैगा कि किडनी फेलियर क्या करती है, किडनी फेलियर आपकी जो बॉडी है ना उसको अलाउ कर देती है कि आपने यूरिया को और जो दूसरे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है, वो आपके ब्लड के अंदर अक्यूमुलेट होते रहे, यानी कि जमा होते रहे। तो क्या होता हैगा कि जब ऐसा होता है ना तो आपकी बॉडी जो है वो हाइपरटॉनिक हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया था अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, इतने टॉक्सिक होता है कि आपकी बॉडी से अगर आप रोज़ाना यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें से 0.60 एग्जैक्ट अमोनिया आपकी बॉडी से निकलता है, शायद 0.40 होता है इसका रेट ना, कुछ ऐसा होता है। और बाकी जो होता है ना आपकी बॉडी से इतना ज़्यादा अमाउंट में क्या कहते हैं 2% के अमाउंट में आपकी बॉडी से यूरिया निकलता है, ठीक है। यूरिक एसिड का अलग अमाउंट होता है, शायद अगर यूरिक एसिड 0.60 है तो अमोनिया जो है वो 0.40 है, ऐसा था। अच्छा भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इनटेक करते हैं तो क्या होगा कि आपकी किडनी के स्टोन्स कम बनेंगे, लेकिन जब आप नहीं करेंगे, आपके नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर देंगे तो उसको हम कहेंगे किडनी फेलियर। तो फिर क्या होगा कि आपका जो ब्लड है ना उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होना शुरू हो जाएंगे और जो H2O है ना वाटर, उसका अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर सही से नहीं रहेगा। ये जो डिसबैलेंस होता है ना सॉल्यूट्स का के बॉडी के अंदर इस तरह से होना शुरू हो जाए, इससे क्या होता है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, या फिर इसके लिए एक ट्रीटमेंट की जाती है जिसको कहते हैं डायलिसिस। सुना है वर्ड डायलिसिस? डायलिसिस दो तरह के होते हैं, एक हीमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनिक डायलिसिस होता है।
हीमोडायलिसिस में बॉडी के अंदर का सारा ब्लड निकाल कर काम किया जा रहा होता है सारा, और कैसे निकाला जा रहा होता है कि ब्लड साफ़ होकर जा भी रहा होता है और निकल के और वो भी हो रहा होता है, और ऐसे ही किया जाता है कि साफ ब्लड अब गंदे ब्लड के साथ मिले ना, डायलिसिस। और एक होता है पेरिटोनिक, जिसके अंदर पेट की जो स्किन होती है उसको काट के किया जाता है। देखो ये आ गया किडनी डायलिसिस, जो किडनी फेलियर होते हैं ना तो उनकी किडनी को या तो ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसके पास दो हेल्दी किडनीज हैं, वो चाह रहा है कि वो अपनी डोनेट कर दे, तो वो अपनी डोनेट कर सकता है। अ पर्सन विद टू हेल्दी किडनीज में डोनेट वन किडनी, सर्वाइव विद वन किडनी, यानी हम अपनी एक किडनी के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। इफ़ अ डोनर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर डोनर अवेलेबल ना हो तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि अब आप डायलिसिस करवाएं, ठीक है। डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस का काम होता है मशीन की तरह का, एक मशीन होती है जिसको डायलिसिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम बिल्कुल मशीन की तरह होता है, ये ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, और ये पेशेंट का जो ब्लड होता है ना उसके अंदर से सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, टॉक्सिक्स, अमोनिया सब कुछ निकाल देती है। अगर आप चाहते हैं कि भाई पर्सन जो है उसकी अफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पेशेंट की, तो उसके लिए डायलिसिस हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना पड़ता है, ठीक है। एक तो संडे का दिन हो और हमारे घर में बच्चे ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं तो मेरा यही काम होता है हर दिन, आप अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चों को भेज दें, तो ये होता है। खैर मेरे बहन भाइयों के बच्चे माशाल्लाह से अच्छे खास हैं। तो अच्छा, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पेशेंट जो होता है उसकी डायलिसिस के लिए वो 2 से 3 दफ़ा उसको चाहिए, वो हफ्ते में क्या करवाए, डायलिसिस करवाए, जिसकी नेफ्रॉन्स काम करना छोड़ दें। ये जब एक दफ़ा भी करवाएगा ना हफ्ते में, तो वो भी 3 से 5 घंटे में ख़त्म होगा। ये पेशेंट की बॉडी के साइज़ और मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरा ख्याल है इसके बाद आप लोगों का बच्चों यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं ज़रा सेकेंड ईयर वालों को समझा दूँ, और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी सेकेंड ईयर की ही वाली बात सुन लें, इसलिए क्योंकि मैं सेकेंड ईयर वालों को यही डिज़ीज़ का बताने जा रही हूँ। तो अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा ना, तो आप अपनी फैमिली में बता सकते हैं सबको कि भाई किडनी में ये मसला होता है, वो मसला होता है, बच्चों को पता होना चाहिए। मैं जब थी 12th या 11th क्लास में थी, तो मैं क्या करती थी, अगर किसी के कोई भी मसला होता था तो मैं रिपोर्ट्स भी स्टडी कर लेती थी, मैं उनको बता भी देती थी, और मज़े की बात ये थी कि मैं बताती थी ना तो सही बताती थी, होता वही था। हाँ, फिज़िक्स में मैं बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री में भी अच्छी थी, लेकिन एट दैट टाइम बायोलॉजी में मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि किडनी स्टोन जो होते हैं उनको हम लोग कैलकुलाई भी कहते हैं, ये तकरीबन 70% होते हैं, ठीक है। 70% जो स्टोन होते हैं वो किसके बनते हैं, अगर जैसे मैं पूछूं कि बॉडी के अंदर क्या चांस है कि आपके पास 3 तरह के स्टोन हैं, फॉर एग्जांपल, और मैं पूछूं इन 3 तरह के स्टोन में से क्या चांसेस है कि ह्यूमन की किडनी में सबसे ज़्यादा कौन से स्टोन्स बनेंगे, तो आप बोलेंगे 70% जो चांसेस हैं ना स्टोन्स बनने के, वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के। ऑक्सलेट क्या होता है, ऑक्सलेट जो होता है ना ये एंड प्रोडक्ट होता है बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है ना उसका, और ये आपके जो यूरिन है ना उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो सॉल्ट जो होते हैंगे, द सॉल्ट इट फॉर्म्स विद कैल्शियम हैज़ लो सॉल्युबिलिटी। अब ये जो ऑक्सलेट होता है ना ये आपकी बॉडी में सॉल्युबल नहीं होता, जाहिर है जब सॉल्युबल नहीं होगा, जब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता वाटर के साथ, तो क्या होगा, ये तो सारे जमा हो के पत्थर बन जाएगा। तो यही होता है कि जमा होते रहते हैं और पत्थर बन जाता है, और ये क्यों होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई लेवल है ऑक्सलेट का, तो ये यूरिन के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं, ठीक है, और यूरिन के अंदर किडनी के अंदर। इसके अलावा अगर आपकी डाइट ऐसी है कि आप ऐसे खाने वगैरह खाते हैं जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था टोमेटो, स्पेनिच या लीफी वेजिटेबल्स, तो हो सकता है। देखो ये है हमारे यूरिन का नॉर्मल चार्ट, इंसान के यूरिन के अंदर 95% होता है वाटर, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता, ग्लूकोज भी नहीं होता, मैंने बताया था यूरिया 2% होता है, क्रिएटिनिन जो होता है वो 0.3 से 0.70 होता है, अमोनिया जो होता है वो भी 0.3 से 0.7 होता है, 70 होता है, यूरिक एसिड 0.30 होता है, तो सोडियम देखें, क्लोराइड देखें, सबका अलग अलग है। और यूरिन की पीएच, मैट्रिक के बच्चे भी याद रखेंगे, यूरिन की पीएच होती है 5। क्या होती है 5? 3 बातें याद रखना, कौन कौन सी, के यूरिन के अंदर वाटर जो होता है वो 95% होता है, और 5% यूरिन के अंदर होता है सॉलिड सब्सटेंसेस, याद रखना मैट्रिक के बच्चे। दूसरा, इनका पीएच जो होता है वो 5 होता है, बस इतना याद रखना आप लोग। वैसे तो और भी बातें लेकिन मैं अभी बता नहीं रही, वो आप लोग थोड़े से और अच्छे लेवल पर अच्छा से पढ़ने लग जाएंगे ना बायोलॉजी को, फिर बताऊंगी।
20% स्टोन्स जो होते हैं ना वो होते होंगे जो इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं, ऐसे स्टोन्स होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होते होंगे। कौन से इन्फेक्शन की वजह से होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की वजह से होते हैं। इन स्टोन्स को हम लोग क्या क्या कहते हैं? इन स्टोन्स को हम लोग स्ट्यूवेट भी कहते हैं, इसके अलावा हम इनको AMP स्टोन्स भी कहते हैं, इसके अलावा हम इनको हॉर्न स्टोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि देखो AMP क्यों कहते हैं? AMP इसलिए कहते हैं कि अमोनियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम कैल्शियम इन सब से मिलकर बना हुआ था, तो हम इनको AMP स्टोन्स भी कहते हैं इन्फेक्टिव स्टोन्स को। इसके अलावा हम इनको स्ट्यूवेट स्टोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये स्ट्यूवेट स्टोन्स तो मेरा ख्याल है आप लोगों की भी बुक में है, क्या नाम है अपना कौन सी क्लास है ये, मैट्रिक। अच्छा देखो ऐसे होते हैं वो जो मैं आपको स्टोन्स बता रही हूँ ना, ये देखो ये स्टैग हॉर्न मैंने आपको बताया ना, इसको स्टैग हॉर्न भी कहते हैं। सही है, मैंने हॉर्न बताया था लेकिन इसको स्टैग हॉर्न भी कहते हैं। ये ऐसे स्टोन्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, ये देखो स्टैग हॉर्न इन्फेक्टिव स्टोन्स हैं। ये देखो आपको नज़र है पूरी किडनी के अंदर, ये देखो कितना बड़ा बना हुआ है पत्थर, इतना बड़ा पत्थर बन जाता है। अब आप सोचो कितनी शदीद तकलीफ होती होगी। अच्छा जी, और कुछ स्टोन जो होते हैं वो यूरिक एसिड के बनते हैं जो अबाउट 5% होते हैं। असल में यूरिक एसिड को ना आपकी बॉडी से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है बाज़ अवकात यूरिक एसिड बॉडी में से नहीं निकल पाता, जब वो नहीं निकलता ना तो इस किस्म के मसले होते हैं। अच्छा आगे बात करते हैं, लिथोटिप्सी क्या था? मैंने बताया था ये मेथड है किडनी और यूरिटल स्टोन्स को निकालने का। इसके अंदर हम लोग वही अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैंगी उनको उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पत्थर होते हैंगे वो कैलकुलाइज होते हैं, वो टूट जाते हैंगे। अल्ट्रासोनिक लिथोटिप्सी में क्या होता है कि जो छोटे छोटे प्रोब्स होते हैं ना अल्ट्रासोनिक प्रोब्स, वो टेलीस्कोप ट्यूब की मदद से डाले जाते हैंगे, उसकी हेल्प से डाले जाते हैं ताकि स्टोन्स टूट सकें, ठीक है। इसके अलावा शॉक वेव्स जो होती हैंगी लिथोटिप्सी जो बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड है वो भी किया जाता है। देखो एक तो हैगा अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए और एक होता है शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या करते हैं, हम लोग ना उसके ऊपर शॉक करते रहते और एक वक्त आता है कि वो स्टोन्स फ़ौरन टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। रीनल फेलियर अभी मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया था, बस इसके अंदर 2-3 चीज़ें और समझ लीजिए। देखो मैंने बताया था रीनल फेलियर कब होता है, जब आपकी किडनी जो है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करना छोड़ दे, और ये कब होता है जब नेफ्रॉन काम करना छोड़ दे। और क्या होगा कि जब ब्लड के अंदर ये सारा काम नहीं होगा ना तो नाइट्रोजीनस वेस्टेज आपके ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नॉइजिया हो गया यानी कि मतली होगी, वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ होंगी, लॉस ऑफ एपिटेट होगा, भूख नहीं लगेगी, कमज़ोरी होगी, सांस लेने में मसला होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होता है कभी कभार तो पेशेंट को कोमा में भी चला जाता है पेशेंट, और कभी कभार उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा इसमें निमोनिया हो सकता हैगा, स्टमक के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती हैगी, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता हैगा, ठीक है। डायलिसिस में मैंने बताया दो तरीके होते हैंगे, एक पेरिटोनल होता हैगा और एक हीमोडायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता हैगा, एक किडनी मशीन होती है, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ गया मेरा हीमोडायलिसिस ये देखो ये है डायलिसर जो साफ कर रहा है। अब हो रहा क्या है, दो लगी हुई हैं रॉड्स, दो ऐसे करके स्ट्रॉस जा रही हैं, एक एक जो है ना वो इसमें जा रही है, मतलब ये आपकी बॉडी से ब्लड लेके इसमें जा रही है और यूं करके इसमें आई, आने के बाद ब्लड को साफ किया, जो अमोनिया के जो वेस्ट है ना वेस्ट इस वाले ड्रम में चले गए, और जो डायलिसिस का फ्लूड है ना देखो सबसे आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता हैगा, ये यहाँ से आ रहा होता है डायलिसिस फ्लूड। इसमें देखो रेड कलर का आपका ब्लड है और ये जो है ना ये डायलिसिस फ्लूड है। डायलिसिस फ्लूड क्या करता है, आपकी बॉडी में वो जो अमोनिया वगैरह होता है ना उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या हो रहेगा कि देखो सबसे पहली चीज़ ये एक हमने वो लगाई, क्या कहते हैं इसको देखो मैं भूल गई इसको क्या कहते हैं, एक सेकंड दिएगा मुझे, मैं इसको देखूँ इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अरे मुझे याद नहीं आ रहा, खैर हम मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कहाँ गया। हाँ तो ये आपके जो है स्पर्म के ज़रिए
ये आपकी बॉडी से ब्लड जाना शुरू हुआ, ब्लड जाते जाता ये यहाँ पे डायलेसर के अंदर गया, डायलेसर के अंदर जाने के बाद डायलेसर के अंदर यहाँ से आ रहा है डायलिसिस फ्लूड, क्या आ रहा है डायलिसिस फ्लूड। फिर क्या हो रहेगा कि इन इन जब डायलिसिस फ्लूड और ब्लड जो है ये मिलता है तो डायलिसर क्या करता है, फ्लूड जो है ना उसके अंदर से गंदगी निकाल लेता है ब्लड में से, और उस गंदगी को किस में डाल देता है, डायलिसर में, और जो ब्लड होता है ना उसको वापस आपकी बॉडी में डालता रहता है। समझ आ रही है आपको ये बात? और हो रहा कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टरी में से ब्लड निकाला जा रहा है तो वेन के अंदर ब्लड डाला जाएगा, ठीक है। अगर आर्टरी में से ब्लड निकाला जा रहा है तो वेन के अंदर ब्लड डाला जाएगा, ठीक है। ये होता है हीमोडायलिसिस, क्योंकि हीमो का मतलब होता है आरबीसी, हीमोग्लोबिन से लिया गया, यानी रेड ब्लड सेल, रेड से लिया गया, ठीक है। और डायलिसिस मतलब डायलिसेट करना, सफाई करना, ट्रीटमेंट करना रीनल फेलियर की। अच्छा मैंने बताया ये एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, ये किडनी मशीन होती है आप समझ लो, या आर्टिफिशियल किडनी होती है ये हेमोडायलिसिस, जिसके अंदर जो फ्लूड होता है उसको एडजस्ट किया जाता है डायलिसेट के ज़रिए। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर का जो ब्लड होता है उसको पम्प किया जाता है, हाँ वो ट्यूब थी देखो, उस ट्यूब के थ्रू किसके अंदर किया जाता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर, जिस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा डायलिसेट पड़ा हुआ होता है। तो वो क्या करता है, जब वो ब्लड जो है वो डायलिसेट के अंदर जाता है तो वो उस के अंदर जाता हैगा तो वो क्या करता है, वो उसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाता है, डायलिसिस के साथ नहाना शुरू कर देता है। वाइल पासिंग थ्रू द डायलिसिस मशीन द नाइट्रोजीनस वेस्ट एंड एक्सेस सॉल्ट्स आर डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू डायलिसेट। और क्या किया जाता हैगा कि इसके अंदर से जो वेस्ट वगैरह होता है ना वो निकाल लिया जाता हैगा, मैंने जैसा आपको दिखाया था। अच्छा भाई, दियर फॉर द ब्लड इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन, ब्लड को दोबारा से भेज दिया जाता हैगा आपकी बॉडी के अंदर, और ये 6 से 10 घंटे में होता है, और हफ्ते में इसको 3 दफ़ा करना चाहिए। ये बात हम उसके अंदर पढ़ के आएँ, किस में पढ़ कर आएँ, अभी मेट्रिक के उसमें, ठीक है। और इसके अलावा पर्सन की डाइट का ख्याल रखना पड़ता हैगा, उसको प्रॉपर फ्लूड देना पड़ता हैगा, पानी वगैरह। अब बात करते हैं पेरिटोनियल, पेरिटोनियल में क्या होता है, आपका जो एब्डोमिनल साइड होता है ना, पता है ना एब्डोमिनल साइड कौन सा होता है, उसको काटा जाता है, काटा जाता है, और ये सब हॉस्पिटल में होता है। कैसे काटा जाता हैगा, कैंची से, ये भी दिखा देती हूँ रुको, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये देखो ये आ गई, यहाँ देखो, यहाँ आपको नज़र आ रहा है इस पर्सन के, देखे किस तरह से यहाँ पे कट लगे हुए। तो होता क्या आएगा, इसी तरह से कट लगाए जाते हैं, कट लगाने के बाद ये तो है डायलिसेट बैग जिसके अंदर से डायलिसेट जो है वो किसके अंदर जा रहा है, पेरिटोनियम, ये है पेट के लिए जिसको कहते हैं पेरिटोनियम, इससे जा रहेगा स्टमक में, और यहाँ पर फ्लूड के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस लेकर आता है कैथेटर के थ्रू और इसके अंदर डाल देता है। अब देखो आगे हम इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं, क्या होता है कि एब्डोमिनल इंसेक्शन होता है, यानी एब्डोमिनल पे कट लगाया जाता है, और जहाँ पे कट लगाया जाता है ना वहाँ पर एक ट्यूब डाली जाती है कैथेटर, ठीक है, कैथेटर डाली जाती है, किसके अंदर डाली जाती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, सही है। डायलिसेट जो होता है ना फ्रॉम अ बैग अटैच टू अ कैथर पासिस इन टू द कैविटी वेयर इट इज़ लेफ्ट फॉर सेवरल आवर्स, और इसको वहाँ पे ना एक बैग लगा देते हैं, डायलिसेट लगा देते हैं, और डायलिसेट के जरिए जो कैथर होता है ना उसको अटैच किया जाता है, और कैथर को डाल दिया जाता है पेरिटोनियल लेयर को काटने के बाद, एब्डोमिनल इंसेक्शन के बाद किस में डाल दिया जाता है, आपके स्टमक के अंदर डाल दिया जाता है, आपके स्टमक के अंदर नहीं, आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये जो डायलिसेट होता है ना इसके अंदर फ्लूड मिक्स होता है और उसके अंदर से जितनी भी गंदगी होती है ना उसको लेकर दोबारा कैथेटर के थ्रू जाता है, और जो डायलिसेट का खाली बैग होता है ना उसके अंदर जमा होता रहता है। ये तकरीबन 1 घंटा रहता है और इसको दिन रात दोनों दफ़ा करना पड़ता है। तो ज़्यादा अफेक्टेड जो होता है ना लोग हीमोडायलिसिस करा देते हैं। उसके बाद देखो किडनी ट्रांसप्लांट, अगर किसी बंदे की किडनी फेल हो गई है वो बिल्कुल नहीं काम कर सकती तो उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि उसकी किडनी की जगह ना दूसरी किडनी लगाई जाती है, और ये तकरीबन 80% केसेस में सक्सेसफुल होता है। आप ये देखें यहाँ पे आपको 2 किडनियाँ नॉर्मल नज़र आ रही, और यहाँ देखो 3री किडनी लगी हुई नज़र आ रही है, 3री किडनी, ठीक है, ये है ट्रांसप्लांटेड किडनी। यहाँ पे देखो ये किडनी जो है ये ख़राब हो चुकी, डिजीज किडनी, और यहाँ देखो ये नई किडनी लगाई हुई है, तो ये नज़र आ रहा है किस तरह से, देखो 3 किडनीज लगी हुई हैं। अब समझ आया, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, क्लास मैट्रिक का भी और क्लास 12 का भी। अब इंशाल्लाह आप लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा।